हाँ भैया, कैसे हो? मस्त। हाँ, क्या हेडिंग है? हाइड्रोजन का रैखिक स्पेक्ट्रम, रेखीय। अरे क्या फर्क है दोनों में? स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? स्पेक्ट्रम है कि स्पेक्ट्रम है? स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम कौन बोलते हैं? सर। कौन से सर बोलते हैं रे? कि मोनू सर है? तवरण कौन बोलता है ऐसे? हाँ भैया, हाइड्रोजन का रैखिक स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन का रैखिक स्पेक्ट्रम क्या होता है भैया? देखिए इधर, हाइड्रोजन का रैखिक स्पेक्ट्रम, कौन सा स्पेक्ट्रम? रैखिक। तो यहां से देखिए भैया, रैखिक कौन सा? रैखिक नहीं, रैखिक, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर होता क्या है कि हाइड्रोजन में क्या होता है कि जो उच्चतम ऊर्जा स्तर होते हैं, कौन से ऊर्जा स्तर है? उच्चतम ऊर्जा स्तर। उच्चतम ऊर्जा स्तर से क्या होता है कि जब निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पलायन करता है। उच्चतम से कहाँ आता है? निम्नतम ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या करता है? ऐसा जरूरी नहीं है उच्चतम, यानी उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों की ओर जब इलेक्ट्रॉन पलायन करता है तो क्या करता है? वो उत्सर्जन करता है। क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और इस उत्सर्जन से अपने को क्या प्राप्त होते हैं? स्पेक्ट्रम। वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएंगे भैया? क्लियर है? यहां से अपने को अलग अलग तरीके की श्रेणियां प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अलग अलग तरीके की श्रेणियां। अब वो श्रेणियां डिपेंड करेगी कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा से, कौन सी जगह पे आ रहा है, यानी उसका प्लायन कहां से कहां पे हो रहा है, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसका प्लायन कहां से कहां पे हो रहा है। इस चीज पे डिपेंड करेगा कि अपने को कौन सी श्रेणी प्राप्त हो रही है। ठीक है टाबरियों, तो देख ले मैं कौन कौन सी श्रेणियां मिलती है अपने को। अरे बता दो जरा, रंगीन चौक निकाल लड़की। ए बालिका रंगीन चौक देगी रे, अभी कौन सी चौक निकालेगी रे? रंगहीन नहीं रे, रंगीन। एन बराबर है 1, एन बराबर है 2, एन बराबर है 3, एन बराबर 4, एन बराबर 5, एन बराबर 6, एन बराबर 7। मास्टर कब तक लिखेगा रे? अनंत लिख दे। हाँ जल्दी से लिख दे अनंत, ताकि हमें ज़्यादा वो बोर मत करो रहे ऐसे। शाबाश, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए। देखो भैया, दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पांचवे से छठे से सातवें से आठवें से, अरे कहीं से भी पहले में, अनंत से पहले में, कहीं से पहले में, पहले पहले में आएगी तो लाई मन। कौन सा मन है? लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी टाबरियों? पक्का? अब टाबरियों देखो, आएगी तीसरे से दूसरे में, चौथे से दूसरे में, पांचे से दूसरे में, छठे से दूसरे में, सातवें से दूसरे में, कहीं से भी रहे, कहीं से भी आएगी, लेकिन आएगी कौन से में? दूजी दूजी बार भी। बामर रे, बाम लगा के तुम पहली पहली बार करोगे ना, तुम्हारी धुलाई हो जाएगी रे। धुलाई होगी तो फिर तुम्हें बाम लगानी पड़ेगी रे। क्या लगानी पड़ेगी रे? ठीक है क्या रे टाबरियों? इसलिए ये जो पहली पहली बार होता है बड़ा खतरनाक होता है रे, थोड़ा बच के रहना, वरना क्या लग जाएगी रे? बाम लग जाएगी। ओके प्यारे प्यारे टाबरियों, प्यारे प्यारे रसगुल्लों, अब चले क्या आगे? अब तीजी सीट पे चले क्या रे? पहली पहली बार, फिर दूजी दूजी बार, दूजी बार भी तेरे नाल। अब चलेंगे कहां पे रे? तीजी सीट पे। कहां चलेंगे? हैं फीट्स बाई काका म्यूजिक। कौन सा म्यूजिक रे? काका म्यूजिक, ठीक है। हाँ भैया, बाम लगा दी, पहले लाइमन श्रेणी, फिर कौन सी श्रेणी?
अब तीसरी में कौन सी? पाश्चन आ गई क्या रे? पक्का शाबाश टावरियों। पाश्चन श्रेणी, कौन सी श्रेणी? पाश्चन श्रेणी। अब कहाँ चले? फिर आगे कहाँ पे? चौथी का लाइन में चले गए रे तुम। तुम रुक नहीं रहे हो रे टावरियों, तुम रुक नहीं रहे हो। तुम्हें ब्रैकेट में बंद कर दूंगा रे, तुम्हें किस में बंद कर दूंगा रे? रुक जाओ वरना ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। कौन सी श्रेणी भैया? ब्रैकेट। ठीक है टाबरियों, तुम फिर भी नहीं माने रे, तुम मानने वाले थोड़ी हो रे, तुम भी बड़े अजीब प्राणी हो रे, तुम फिर भी नहीं रुके, तुम फिर भी नहीं रुके। और कहाँ आ गए रे भैया? आगे आगे कहाँ? फुंड में आ गए रे। कौन सी श्रेणी भैया? ठीक है टाबरियों, ओके। कहाँ पहला? पहला एन वन बराबर तो वन है, एन टू बराबर वन के बाद में दो तीन चार पांच अनंत कितना ही हो सकता है, मतलब कहीं से भी आए पहली पहली में आए तो लाई मन श्रेणी। ठीक है, और पहली पहली बार लाई झूठ बोलना, तो मन में झूठ बोलते हो रे पहली पहली बार? होता थोड़ी है कोई पहली पहली बार, पचासों बार हो जाता है लेकिन फिर भी कहता है पहली पहली बार है। हैं, सिर्फ तू ही है और कोई नहीं है, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है रे, चूना लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चूना। तो ये जो लाइमन श्रेणी है ना, ये चूना श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है भैया? ठीक है रसगुल्लों, तो कोई ऐसे बोले पहली पहली बार, समझ जाना कि अर्धशतक लग चुका है, अपन 51वीं बार है। हैं, तो ये पहली पहली बार है, कुछ नहीं होता है। लाइमन श्रेणी, फिर बामर श्रेणी, पिटाई कर देनी है रे पहली पहली बार में, तो दूजी बार आए तो अगले को बाम साथ में लेके आएगा भैया, क्या पिटाई करने वाला आदमी है। तो फिर तीजी तीजी सीट पे पाश्चन श्रेणी, और फिर तुम फिर भी नहीं माने तो ब्रैकेट में बंद कर दिया, और लास्ट में फुंड श्रेणी। पांच काफी है तुम्हारे लिए? अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से इनका मान आया। एन वन का मान यहाँ पर वन है, यानी कहीं से भी आई वन में आई तो लाइमन, कहीं से भी आई दूसरे में आई तो बामर, कहीं से भी तीसरे में तो पाश्चन, चौथे में ब्रैकेट, पांचवे में फुंड श्रेणी। क्लियर है भैया? तो इस तरीके से अलग अलग श्रेणियां बन गई कंप्लीट। अब मुझे हेडिंग बताओ क्या करेंगे बोर स्पेक्ट्रम से? बोर से, बोर सिद्धांत से। ये रंग बिरंगी चौके काम की नहीं है रे, व्हाइट वाली दिखती है अच्छी है ना, इसलिए तुम भी रंग बिरंगे मत बन के आया करो रे, व्हाइट व्हाइट पहन के आया करो। बोर सिद्धांत से एच स्पेक्ट्रम की टाबरियों एक बात बताओ मुझे। यहां पर अपन ने बात करी थी बोर के तृतीय अभिग्रहित से, क्या बात करी थी कि जब उच्चतम ऊर्जा स्तर या N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और उसके लिए अपन ने फॉर्मूला दिया था En2 माइनस En1 बराबर, यही था क्या टाबरियों? मुझे यहां से 1/λ चाहिए, क्या चाहिए? मुझे 1/λ चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा टाबरों? En2 माइनस En1 अपॉन ऐसे लिख दूंगा क्या? अब आपको पता है कि En जो nवे कक्षा में जो चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ऊर्जा का मान कितना होता है? उसके लिए ऊर्जा का मान कितना होता है? हाइड्रोजन के लिए अगर अपन बोलने जाए तो कितना होगा? 2πa²m²z²e⁴n²h², यही होता है। इसके आगे माइनस भी होता है, इसके आगे क्या होता है भैया? इस एन स्क्वायर को मैं थोड़ा सा अलग से लिख दूं क्या? इधर किसी के कब्जी तो नहीं हो जाएगी? नहीं होगी, पक्का। अब मुझे यहां से बता दो, इसी तरीके से अगर मैं लूं तो इसको N2 के लिए लिखने जाऊंगा और N1 के लिए भी लिखने जाऊंगा, इसे समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, तो यहां लिख दूं, दिख रहा है क्या नीचे तक?
तो यहां से देखो ई एन टू बराबर हो जाएगा माइनस टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ठीक है भैया, ऐसे ही मैं इसको लिखूंगा ई एन वन के लिए माइनस टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर। ओके, अब ई एन वन और ई एन टू के मान समीकरण एक में रख दिए जाए क्या? देखो रख देते हैं, वन अपॉन लेमडा बराबर ई एन टू, ई एन टू ये पूरा मान रखूंगा और ई एन वन का रखूंगा। बताओ ये सब चीजें दोनों में सेम है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? लेकिन एन वन के पहले क्या है और एन वन वाले के यहां भी आगे क्या है? माइनस। माइनस क्या हो जाएगा? यानी पहले तो कौन सा आएगा? एन वन वाला, बाद में कौन आएगा? एन टू वाला। दोनों में ये चीज क्या है? कॉमन। कॉमन जो चीज है वो बाहर लिख दूं पहले ही, क्यों एक स्टेप बढ़ाएं फालतू का? टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर अपॉन एच। अब देखो एच सी तो यहां था अपॉन में, एच स्क्वायर दोनों में भी आ रहा था, यानी एक एच पहले से था तो एच तो हो गया क्यूब और ये आ गया सी। क्लियर है? अब यहां वन अपॉन एन वन स्क्वायर है और यहां वन अपॉन एन टू स्क्वायर है, तो पहले एन वन वाले आ रहे हैं तो वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन। ठीक है क्या टाबरियो, जच गया क्या काम? अब देखो एक बात बता दूं क्या, ये जो अड़ंगा दिखना है ना इतना सारा, अरे ये घना सारा हो गया कि नहीं हुआ? इस सारे की जगह आर लिख दूं क्या? आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर दो दे दी टाबरियों। कितनी दे दी? ठीक है, अब यहां से पटापट ये जो आर है, आर है भैया रिडबर्ग नियतांक। क्या है? रिडबर्ग नियतांक। ठीक है, जिसका मान क्या होता है? टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर फोर अपॉन एच क्यूब सी, ये होता है। तो इस रिडबर्ग नियतांक के लिए इसका जो मान, इसको सबके देखो टू पाई स्क्वायर एम का मान भी फिक्स है, के का मान भी, ई का, एच का, सी का, सबका मान फिक्स है। सबके मान रख रखा के सोल्व जब करोगे तो आएगा 1.097373 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, यानी लगभग लगभग 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। बोल दूं क्या? हाँ या ना? ये बोल देंगे किसका मान? रिडबर्ग नियतांक का। काम कहाँ आएगा? जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे वहां पे काम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्या दिया है आपको? R के पदों में ऊर्जा का मान दिया है क्या रे? तो R के पदों में ऊर्जा का मान मैं कैसे बताऊंगा? देखो ये ऊर्जा का मान दिख रहा है आपको एनवे के लिए, अरे EN के लिए ऊर्जा का मान दिख रहा है यहाँ पे, तो EN के लिए एक बार ऊर्जा का मान रखें अपन यहाँ पर। किसके लिए रखूं? EN के लिए। EN के लिए ऊर्जा का मान जब मैं रखने जाऊंगा, एक बार मैं माइनस को यूज यहां नहीं कर रहा हूं, एक बार सिर्फ इनको यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां से यूज कर रहा हूं टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर अपॉन एच क्यूब सॉरी एच स्क्वायर एन स्क्वायर। एनवे कक्षा के लिए आती है ये, यही आता है एनवे कक्षा के लिए। इसका मान एन को तो एक बार साइड में कर दो, एन को तो क्या कर दो? साइड में कर दो। एन का तो बाद में निपटेंगे, पहले मुझे आप लोग ये बता दो कि यहां से जो एन स्क्वायर रहेगा वो तो साइड में ले लेता हूं मैं, यहां इससे तुलना करो इससे, जो जेड का मान रखा टू पाई स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, यानी जेड भी साइड में हट गया, ई की पावर फोर एच स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? सी चाहिए, नीचे नीचे सी चाहिए और नीचे एच चाहिए। हाँ या ना? नीचे सी चाहिए और एच चाहिए,
तो नीचे एच सी लिखा तो इसका मतलब मुझे ऊपर भी एच सी लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो ई एन जब मैं लिखने जाऊंगा आर के पदों में तो इसको मुझे जब आर लिखना पड़ेगा तो साथ में क्या आएगा, सी भी आएगा और एच भी आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आया कि ऊपर नीचे अपन ने एच सी से गुणा किया तो एच क्यूब सी बन गया नीचे, और एच क्यूब सी और ये जो बाकी जो बच रहा है इस सब की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो जेड भी बच रहा है क्या इसमें, है जेड स्क्वायर अपॉन माइनस भी आ गया। ठीक है, क्योंकि ई एन के आगे क्या होता है, माइनस होता है। बोलो क्लियर है? तो ये ई एन वी कक्षा के लिए मान आ गया आर के पदों में, किसके पदों में? बताओ ये छोटी सी बात समझ में आई आप लोगों के? अब मैं समीकरण एक में दो में आ जाऊं क्या वापिस? समीकरण दो बोल रहा है वन अपॉन लेमडा बराबर, मैं यहां समीकरण दो में जेड बराबर एक रख रहा हूं, इक्वेशन दो में जेड बराबर एक रखने पर, जेड बराबर एक रखने पर तो रख दो जेड, जेड की जगह एक रख रहा हूं तो आर तो रहेगा ना, वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। अब यहां से देखो, अगर अगर मैं एन वन की जगह क्या रखूं, दो, एन वन की जगह क्या रखूं, दो, तो जो एन टू के मान आएंगे वो आएंगे तीन चार पांच, इस तरीके से आगे आते जाएंगे। ठीक है, यानी जो एन टू है वो हमेशा हमेशा एन वन से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात तो समझ में आ गई आपको? क्लियर है, सदैव ऐसा होगा। अब इसकी जगह मैं टू रख दूं तो वन अपॉन लेमडा बराबर आर, इसकी जगह टू रखूंगा तो टू का स्क्वायर फोर, या यहां पर सीधा दो का स्क्वायर रख दूं, माइनस वन अपॉन एन टू, एन टू का स्क्वायर, एन टू का मान कुछ भी हो सकता है, दो तीन चार पांच, मतलब दो से ज्यादा ही होगा। क्लियर है, तो एन का एन वन का मान जब दो रखने जाऊं तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, बामर श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है टाबरियों, बामर श्रेणी मिल गई। ऐसे ही ये बोल रहा है अगर मैं एन वन बराबर वन रखने जाऊंगा तो बताओ एन टू के मान क्या होंगे, दो तीन चार, ऐसे ऐसे, और कौन सी श्रेणी बन जाएगी, आई तो थी पहली पहली जब एन वन का मान तो वन है और फिर एन टू का मान ऊपर से कहीं से भी आ रही है तो वो कहां से आ सकती है, दो तीन चार पांच अनंत तक। एन वन का मान दो रखूं तो एन टू बराबर है तीन चार पांच, कौन सी, ये यहां देख ली, एन वन बराबर जब तीन रखूंगा तो एन टू बराबर है कौन सी, पाश्चन श्रेणी टाबरियों। फिर एन वन बराबर है तो एन टू बराबर पांच छ सात, कौन सी, पक्का, फिर ऐसे ही एन वन बराबर है पांच लिखेंगे, एन वन बराबर पांच लिखेंगे तो एन टू बराबर है छ सात आठ, कौन सी श्रेणी। ठीक है क्या टाबरियों, यहां से भी पता चल रहा है आप लोगों को, इस तरीके से अपन लिख देंगे तो ये श्रेणियां मिल जाएगी। बताओ हाँ या ना टावरियों, सारी बातें क्लियर हो गई क्या? इससे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बना सकता है कि नहीं? न्यूमेरिकल कैसे बनाएगा कि अपने को इनमें से किसी भी का मान दे देगा, एन वन एन टू बोल देगा, इस वाले में से इसमें से आ रही है, या ऐसे बोल देगा देखो प्रथम लाइमन, प्रथम लाइमन का मतलब है दो से फर्स्ट में आ रही है, यानी एन वन का मान एक हो जाएगा एन टू का दो हो जाएगा। लाइमन की तृतीय रेखा, तृतीय का मतलब एक दो तीन, तृतीय रेखा कहां से आएगी, चौथे से आएगी, बात समझ गए। बामर की तृतीय रेखा, तो बामर दो में तो खुद आता है तो एक दो तीन, बामर की तृतीय पांचवे से आएगी। ठीक है, पाश्चन की तृतीय रेखा, पाश्चन खुद तीन में आता है, तृतीय मतलब तीन प्लस तीन, छह से आएगी, कहां से आएगी छह से। ब्रैकेट की तृतीय रेखा, ब्रैकेट खुद चौथे पे आता है तो चार प्लस तीन सात से आएगी। ठीक है, ऐसे ही फुंड की तृतीय रेखा कहां से आएगी, रे आठ से आएगी, तृतीय वाली आठ से आएगी, वो अनंत अपन ने दिखा रखा है। ठीक है, तृतीय मतलब जस्ट ऊपर से आएगी उसके,
ओके, तो इस तरीके से आएगी। अब एक और बात है, श्रेणी सीमा, कुछ ऐसा नाम है क्या? श्रेणी सी, अरे कौन सी मा? सीमा। कौन सी मा? श्रेणी सीमा। कौन सी सीमा? श्रेणी सीमा क्या होती है कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या रहे, किसी भी श्रेणी का जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगा वो उसकी क्या होगी, श्रेणी सीमा। सीमा, सीमा का मतलब उसका कि न्यूनतम, सीमा मतलब जैसे अपन बात करते हैं कि बोर मॉडल की सीमाएं मतलब कमियां, सीमा मतलब कि कहां पे समाप्त हो रहा है, कि वल्लभ नगर की सीमा, वल्लभ नगर कहां समाप्त, ऐसे ही लाइमन श्रेणी की सीमा मतलब लाइमन का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितना हो सकता है। तो लाइमन श्रेणी की सीमा, सीमा से क्या मतलब है कि इसका न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या रहे, न्यूनतम जो लेमडा होगा वो क्या होगी इसकी, श्रेणी सीमा। और न्यूनतम लेमडा वह होगा जिसकी ऊर्जा सर्वाधिक होगी, ऊर्जा अरे कैसे, क्योंकि E बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा, E सर्वाधिक होगी तो लेमडा न्यूनतम होगा, और E सर्वाधिक एक ही कंडीशन में होती है जब पहले से कहां जा रहा हो, अनंत में, ठीक है, या अपना पहला पोजीशन और लास्ट पोजीशन वहां पे ऊर्जा अधिकतम होगी तो लेमडा क्या होगी, न्यूनतम। तो देखो ये श्रेणी सीमा, यहां से न्यूमेरिकल बनता है अधिकतम तरंग दैर्ध्य और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताओ, तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य तो कहां हो जाएगा, जहां न्यूनतम ऊर्जा अंतराल है, ये रहा, दिख रहा है न्यूनतम, तो यहां लेमडा बनेगा मैक्सिमम, यहां लेमडा बनेगा न्यूनतम, ऊर्जा अधिकतम है लेमडा न्यूनतम बनेगा, ऊर्जा न्यूनतम है लेमडा अधिकतम बनेगा, ठीक है, उल्टा चलता है भैया, क्या चलता है, उल्टा, ठीक है, श्रेणी सीमा समझ गए, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाली है श्रेणी सीमा, बात करें तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, ठीक है भैया। अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम तरंग दैर्ध्य तो ये वाला ज्ञात करना है, अधिकतम ऊर्जा पूछे तो ऊर्जा यहां की ज्ञात करनी है, ठीक है, बात एक ही याद रखो किसकी, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य आएगा किसी भी श्रेणी के लिए, बामर के लिए आ रहा हो, ब्रैकेट के लिए आ रहा हो, फुंड के लिए, किसी के लिए भी आ रहा हो, अनंत से लेके आना है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य में कहां से लेके आना है, और अधिकतम तरंग दैर्ध्य में लेके आना है जस्ट ऊपर वाले से, लाइमन है तो पहली होती है, जस्ट ऊपर मतलब दूसरे से, बामर के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य मतलब यहां से लेके आना है लेमडा अधिकतम, इसके लिए पाश्चन के लिए लेमडा अधिकतम मतलब जस्ट ऊपर वाले से, ब्रैकेट के लिए लेमडा अधिकतम मतलब ए जस्ट ऊपर वाले से, फुंड के लिए भी जस्ट ऊपर वाले से, और न्यूनतम की बात करेंगे लाइमन के लिए तो अनंत वाले से, ये लेमडा मिनिमम के लिए, ये लेमडा मिनिमम के लिए कहां से आएंगे, अनंत से, लेमडा मिनिमम के लिए कहां से आएंगे टाबरियों, अरे कहां से आएंगे, अनंत से आएंगे भैया, कहां से आएंगे, बात समझ में आई, लेमडा मिनिमम और मैक्सिमम की, ऊर्जा भी मैक्सिमम मिनिमम पूछ सकता है, घबराना नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का यहां इससे रिलेटेड बने, अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछ रहा है तो तुरंत उससे रिलेटेड ये डायग्राम रफ में बना लेने का है, एक मिनट लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सात रेखाएं सीधी खींची, अनंत वाली खींची, फिर देख लो कौन कौन सी श्रेणियां बन रही है, फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है एक मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, और नेस्ते नाबूद कर देंगे क्वेश्चन को, क्या कर दोगे, अरे ठीक है टावरियों, कोई आगे आगे जो बैठता है वो भी झपकियां लेता है, पता है आप लोगों को, प्यारे रसगुल्लों, जो आगे आगे बैठता है वो भी पीछे वाले तो फिर भी एक्टिव होके बैठते हैं रे, हाँ या ना, आगे आगे वाले भी शर्मा रही है बालिका है, जबकि आ गई रे बालिका को, इतनी बोरिंग थी क्या है, फिर भी जबकि आ गई, देखो तो सही रे, तो चलो कोई बात नहीं, इस जबकियों के साथ आपके इस चैप्टर को समाप्त कर देते हैं, एक छह कमियां पढ़ते हुए, कितनी कमियां पढ़ते हुए, छह कमियां पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, है भैया, तो देखें छह कमियां क्या क्या थी, बोर भाई साहब, देखो थॉमसन भाई साहब की कमियां किसने निकाली, रदरफोर्ड की भी टांग खिंचाई कर दी, अब बोर भाई साहब की भी टांग खिंचाई कर देंगे कोई न कोई, तो बोर में भी कमियां निकाल दी, नंबर एक कमी, पहली बात तो ये थी, पहली पहली बात ये थी कि एक
इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए ही लागू होता है, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए ही लागू होता है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सदृश जो भी आयन होंगे उनके लिए लागू होगा। दूसरी बात बोली कि कोश में कौन होते हैं, कोष में होते हैं टाबरियों उपकोष। तो उपकोष जो होते हैं कोष में होते हैं उपकोष, यानी जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो अलग और अन्य सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं में बटी होती है। ये बात भी बोर है, हो गई कमी। चलो फिर तीजी सीट पे चलो। तीजी सीट क्या बोलती है रे कि उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं, क्या होते हैं टावरियों, कक्षक होते हैं टावरियों। और देखो टावरियों ये जो कक्षक, अरे जब उपकोष नहीं बता पाया तो कक्षक बता पाएगा क्या, नहीं। यानी कि बहुत सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो है, यहां देखो ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं में बटी होती है, और ये जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाएं है ये चुंबकीय क्षेत्र किसमें रहे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती है, विपाटित हो जाती है। क्या हो जाती है, विपाटित, यानी कि और अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गई रहे स्पेक्ट्रमी रेखाओं में। विद्युत क्षेत्र में विपाटित होना तो कहलाएगा स्टार्क प्रभाव। कौन सा प्रभाव, स्टार्क प्रभाव। और चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन होना क्या कहलाएगा, किसको जिमा रहे हो रे, ये बोल रहा है जिमा ने, अरे जिमा ने, जिमा, अरे जिमा ने, ये कह रहा है मेरे को जिमा ने, किसको जिमा, चुंबकीय क्षेत्र को, किसको, अरे अपन देखते नहीं है स्पार्किंग कहाँ होती है, तारों में, बिजली वालों में, तो विद्युत क्षेत्र में विपाटन है स्टार्क, याद रह जाएगा स्पार्किंग से स्टार्क, पक्का कंफ्यूज नहीं होगे, हैं बिजली वाले तारों में स्पार्किंग स्टार्क प्रभाव याद रह जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र में विपाटन तो हो जाएगा स्टार्क प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन हो जाएगा ज़ीमान प्रभाव। याद ऐसे ही रख लेना, विद्युत क्षेत्र मतलब स्पार्किंग, स्पार्किंग मतलब स्टार्क प्रभाव, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उसका उल्टा होता है ज़ीमान प्रभाव, ठीक है, वरना दोनों याद रखोगे थोड़े दिन बाद याद तो रहेगा, स्टार्क प्रभाव भी होता है जिमान भी होता है, कौन सा किस में होता है ये नहीं पता, विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्टार्क प्रभाव होता है, जिमान प्रभाव होता है कौन सा किस में ये नहीं पता, पता चारों चीज है, तो कैसे याद रखेंगे, स्पार्किंग तारों में कहाँ स्टार्क प्रभाव, विद्युत क्षेत्र, याद हो जाएगा ठाबरियो। चलो पॉइंट नंबर चार बोलता है तीव्रता के बारे में, विद्युत ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं थी, स्पेक्ट्रमी रेखाएं उनकी तीव्रता को बता ही नहीं पाया रे, तीव्रता को बता ही नहीं पाया, कौन, तुम हो गए क्या बोर, बस अब नहीं सहना और कर देते हैं इसको खत्म, ठीक है, खुशी फैलेगी फिर चहू और, चहू और मतलब चारों ओर, हिंदी नहीं पढ़ते क्या है, हाँ जी। नंबर पांच कमी पे चलते हैं, हाइजेनबर्ग कौन रे, हाइजेनबर्ग टावरियों, ये जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत था उसको भी समझा ही नहीं पाया रे, समझाए नहीं पाया, लास्ट ही लास्ट क्या था रे, इसने एक और गलती कर दी टावरियों की, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं कौन, वृत्ताकार कक्षा में कौन चक्कर लगाते हैं टावरियों, और ये गलती कर दी किसने, बोर ने, किसने, बोर ने, कमियां आएगी भैया, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बता पाया, दूसरी बात कोष के अंदर उपकोष होते हैं यानी सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं में बटे होते हैं नहीं बता पाया, उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं यानी वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में विपाटित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में जिमान प्रभाव, विद्युत क्षेत्र में स्टार्क प्रभाव नहीं बता पाया, फिर उसके बाद चुंबकीय ये जो कौन सी तीर है, विद्युत स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में
नहीं बता पाया। इसके बाद में हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत नहीं बता पाया। और उसके बाद में ये और बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में लगाते रहे, कौन सी कक्षाओं में, ये भी नहीं बता पाया। अरे देखो बोर को ये भी नहीं पता, तुम्हें तो पता है ना। अरे तुम तो बोर से भी होशियार हो रहे। ठीक है टाबरियों, तो टाबरियों खत्म करें।